वहाँ से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले के तुम बीच बस्ती में रहते हो, भीड़ भाड़ में रहते हो, वहाँ आपके लिए सेफ्टी नहीं है। आपको सेफ्टी की जगह पर हम ट्रांसफर करते हैं तो जाओ तो अच्छा है आपके लिए। तो हमने इसलिए लाल बस की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले ने व्यवस्था कर दी और यहाँ लाया। मैं भरूच का रहने वाला हूँ और अहमदाबाद में काम धंधा करता हूँ। मैं लाल दरवाजा पे काम करता हूँ, सूतक मजूरी कोई भी काम मिलता है तो उसमें चले जाता हूँ। अहमदाबाद में भाई बहन के घर पे, कभी रोड पे। मैं झारखंड से, मैं यहाँ पे रासौड़े में काम करता था। हम मुकादम करूम में रहते थे, वहाँ ज़्यादा हो गया तो हम लोग बाहर आना पड़ा। मैं यहाँ पे सब ठीक है, टाइम पे खाना, चाय, नहाना धोना सब मिल जाएगा। तो खाना और पीने का पानी मॉल की तरफ से दिया जाता है। सुबह शाम दो टाइम खाना मिलता है और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और शाम को चाय, ये हमारी तरफ से उनको प्रोवाइड किया जाता है। रहने की पूरी सपोर्ट उनको दी गई है। जो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और गुजरात पुलिस की टीम यहाँ पे विजिट करके कोई भी उनकी गाइडलाइंस है तो वो लोग हमको देती रहती है। यहाँ एक दूसरे के रमत गमत में, बातों में डिस्टेंस तो रखते ही है सब। गार्डला भी 3 फुट 4 फुट दूर है सबका, रात को भी दूर रहते हैं सब अपनी तरह से, तो जितना बनता है करते ही है। हो जाता है थोड़ी गलती किसी से, बाकी तो सब नियम अनुसार ही चलते हैं। इस मॉल ने अराउंड 150 माइग्रेंट वर्कर्स को शेल्टर दिया हुआ है एंड ये कहते हैं कि और 1000 लोगों की इनके पास स्पेस है। अगर चीज़ें हाथ से निकल गई और लोग बेघर हो गए या उनके पास कहीं जाने को जगह नहीं रही, इस मॉल में जो लोग हैं उन लोगों को अराउंड 4 बार खाना मिलता है, सोने की अच्छी जगह है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो अच्छी तरह से मेंटेन हो रही है।